क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज चल रही है। तीन मैचों के बाद अब चौथा और पांचवा मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में होंगे। इसके लिए दोनों ही टीमें अमेरिका पहुंच चुकी हैं। सीरीज अब भी जिंदा है क्योंकि तीसरे T20 मैच में भारत को शानदार जीत मिली थी और इस जीत के हीरो रहे थे सूर्य कुमार यादव, जो कि लंबे समय बाद रंग में दिखे। अब सूर्या ने मैच तो जिता दिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अब कहा है कि उन्हें खुद पर शर्म आती है। जी हाँ, यही नहीं, साथ ही साथ कहा कि कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा उन्हें डांटते हैं। तो क्या हुआ ऐसा, क्यों सूर्य कुमार यादव ने किया इतना बड़ा कबूलनामा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि सूर्या की बातों से कितना सहमत है और सूर्या की इस ट्रांसपेरेंसी से आप कितने सहमत हैं। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। अब टीम इंडिया के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले दोनों ही मैच हर हाल में जीतने वाले हैं, क्योंकि दोनों मैच जीतेंगे तभी सीरीज को जीत पाएंगे। एक भी मैच हारे तो वहीं पर सीरीज भी हार जाएंगे। अब चौथे T20 से पहले टीम इंडिया के नए सुपरस्टार सूर्य कुमार यादव ने हैरान किया है। सूर्या ने कहा है कि हाँ, मुझे खुद पर शर्म आती है और इसी वजह से रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ उन्हें डांटते हैं। असल में सूर्य कुमार यादव ने तीसरे T20 मैच में धमाकेदार पारी खेली। सिर्फ 44 बॉल में 83 रन बना दिए, करीब करीब 200 का स्ट्राइक रेट था और इसी वजह से सूर्या को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। मगर सूर्य कुमार यादव इतनी शानदार पारी के बाद भी कहने लगे हैं कि मुझे अपने वनडे क्रिकेट के रिकॉर्ड पर शर्म आती है। जी हाँ, सूर्या ने कहा कि वनडे मैचों में मेरे आंकड़े शर्मनाक हैं और मुझे इसे मानने में, एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस पर शर्म आती है। यही नहीं, सूर्या ने आगे कहा कि वनडे मैचों के हिसाब से मैं खेल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैंने हाल फिलहाल ज्यादातर T20 मैच ही खेले और मैं उसी हिसाब से खेल रहा हूं, खुद को स्विच नहीं कर पा रहा हूं। मगर वनडे सबसे ज्यादा मुश्किल फॉर्मेट है और वहां पर विराट कोहली से मुझे सीखने की जरूरत है। सूर्या ने आगे कहा, मैं खुद को वनडे के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहा हूं और इसे लेकर रोहित भाई और राहुल सर से भी बात होती है, दोनों मेरा हौसला भी बढ़ाते हैं, लेकिन जब मैं वनडे मैचों में परफॉर्म नहीं कर पाता हूं तो मुझे डांट भी पड़ती है। जी हां, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ को सूर्य कुमार यादव पर खासा भरोसा है और इसीलिए लगातार उन्हें मौके दिए जा रहे हैं T20 के साथ साथ वनडे मैचों में। लेकिन फिर भी सूर्या जब वनडे मैचों में फेल हो जाते हैं, सूर्या को कप्तान और कोच दोनों की तरफ से डांट पड़ती है और सूर्य कुमार यादव ने खुद बताया है, सबके सामने बात कही है कि राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा उन्हें डांटते हैं। सूर्या ने आगे कहा, वनडे मैचों में शुरुआती 2 से 3 विकेट अगर जल्दी गिर जाते हैं तो फिर टेस्ट मैच की तरह बल्लेबाजी करनी होती है और मुझे टेस्ट मैचों में ज्यादा अनुभव नहीं है, लिहाजा मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे वनडे में आखिर के 15 से 20 ओवर खेलने को मिलते हैं तो फिर मैं T20 अंदाज में वहां पर बल्लेबाजी कर सकता हूं और मैं टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। यानी कि सूर्य कुमार यादव ने खुद माना है कि हाँ, उनका वनडे रिकॉर्ड बेहद शर्मनाक है, उन्हें अपने वनडे करियर पर शर्म आती है और इतना बड़ा खिलाड़ी ये बात खुद मानता है, खुद एक्सेप्ट कर लेता है, खुद कबूल कर लेता है तो हैरानी जरूर होती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी माना कि कोच और कप्तान से डांट भी पड़ती है। अब जब कोई खिलाड़ी इतने बड़े स्तर पर खेलता है, अपनी गलती को इतने बड़े स्तर पर मान लेता है कि तय है, तो वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और सूर्या यही कर रहे हैं, अपनी गलती वनडे वाली वो सुधारना चाहते हैं और वनडे मैचों में भी T20 की तरह धमाल करना चाहते हैं। इसीलिए अब उम्मीद है कि अब आगे एशिया कप के लिए सूर्य कुमार यादव चुने जाते हैं तो फिर वनडे में भी वो ऐसा ही धमाका करेंगे, बड़ा धमाल करेंगे। तो आपका सूर्या के इस कबूलनामे पर, सूर्या के इस शर्मनाक कहने वाले, खुद के खेल को वाले बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।